हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और क्या हो रहा है, मैं यहाँ आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और अभी का मौसम आप देख ही रहे हो, आजकल ना बारिश हो रही है, होती है, रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। मोस्टली मीन्स बारिश जैसा मौसम हुआ ही रहता है यहाँ साउथ में, चेन्नई में। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, और इतना अच्छा मौसम है कि मुझे कटलेट खाने का मन हो रहा था, जो ब्रेड का कटलेट होता है, तो मैं वही सोच रही थी बनाने के लिए। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय में अदरक लहसुन बोल रही हूँ, अदरक, चाय पत्ती, चीनी, इलायची, लौंग, ये सब डाल दी हूँ, यहाँ बॉयल हो रहा है। दूसरी तरफ मैं कटलेट की तैयारी करूँगी। और इतना अच्छा मौसम है ना कि मुझे यही पकौड़ी या फिर कटलेट का पता नहीं क्यों आज मन हो रहा था। लेकिन ना मेरे पास ब्रेड नहीं था वाइट वाला, मेरे पास ये ब्राउन ब्रेड था। लेकिन खाना है तो खाना है आज मुझे, तो इसलिए मैं फटाफट बॉईल कर ली थी आलू, और उसमें उसको फ्राई नहीं की हूँ, बस प्याज कुछ मसाले डाल के उसको मिक्स कर ली हूँ। और अच्छा बन गया था ये, देखिए, ऐसा नहीं लग रहा था कि वाइट वाला ब्रेड होता तो ज़्यादा टेस्टी होता, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट आ रहा था, और ब्राउन ब्रेड ही था मेरे पास, तो मैं सोची नहीं चलो इसका ही बनाते हैं। और बहुत अच्छा बना था। इसके साथ चाय एंड सॉस, चटनी नहीं बनाई थी, सॉस ग्रीन चिली सॉस के साथ, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, टोमेटो सॉस भी था, तो ये बहुत ही कुरकुरा बना है। और बाहर इतनी अच्छी मौसम, इतना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है, तो आज तो मज़ा आ जाएगा। आप सभी कमेंट करना कि बारिश के मौसम में आपको ऐसे पकौड़े वगैरह खाने का मन करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है मोस्टली करते ही होंगे सबके। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, कहीं हमें जाना है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है कुछ अच्छा, तो सब चीज़ मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये देखिए, यहाँ कटलेट बन के रेडी हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बना था, और ग्रीन चिली सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश की वजह से ना मौसम बिल्कुल एकदम बाहर जैसे अंधेरा टाइप का हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाले घर में ना बालकनी बेडरूम में भी है, हॉल में भी है, और विंडो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो ओपन करके बहुत मीन्स ऐसा लगता है ना कि अगर खोल दूँ दोनों साइड का बालकनी तो हवा मीन्स क्या बताऊँ, ऐसे हवा चलती है ना कि पूरा सामान मीन्स दरवाजे बहुत चीज़ ना हिलने डुलने लगता है ऐसे, तो इतनी तेज़ और अच्छी हवा आती है यहाँ घर पर। आजकल ना मुझे वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और ये देखिए क्या हाल हुआ है। एक बारिश मौसम तो अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से जो हॉल का हमारा हाल हुआ है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अरे तो क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए बाहर का मौसम, आप सब भी देख लो। और मैं एक मॉल गई थी ना, तो बहुत सारे जो सामान में शॉपिंग की थी वो भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मेरे साथ यही होता है, बहुत चीज़ होता है शेयर करने के लिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और इतनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखिए, ये अभी सुबह का ही टाइम है अभी, और ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गया है। और ये देखिए हमारा एक्वेरियम। और हाँ, तो यही सब, ये सारे जो प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स है जो डेकोरेट करते हैं हम घर के लिए यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, ये सब मैं 3 सेट लाई थी, बहुत ही प्यारा। एक ये लाई थी, इसमें छोटे छोटे स्टोन हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक और मैं लाई हूँ, ये देखिए, एक ये है, आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में ना अच्छा लग रहा था, रियल टाइप लग रहा था, तो 2 यहाँ मैं हॉल में लगा दी हूँ। और एक मैं पिंक कलर का लाई हूँ, चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए इसका कलर इतना प्यारा लग है, और इस मौसम में तो ये कलर और भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मैं किचन में रखी हूँ, और सही बता रही, इसको किचन में रखी हूँ ना, तो काम वाम करती हूँ ना, तो इस पर मेरा ध्यान जाता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी किचन में एक या तो रियल का फ्लावर रख सकते हो, प्लांट तो रखिए, अदरवाइज़ ये ऐसा कुछ आर्टिफिशियल रखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी 11:30 का टाइम ऐसा कुछ हो रहा था, और मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, तो फिर से मैं चाय बनाई थी अपने लिए, हस्बैंड थोड़ा सा ही पिए, ज़्यादा नहीं पीना पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही थी, थोड़ा सा भी धूप, हल्का सा धूप जैसा निकला था, धूप
वैसा वाला धूप नहीं, बहुत अच्छा ठंडा हवा चल रहा था लेकिन धूप जैसा लग रहा था। तो मैं यहाँ चाय बना ली हूँ, उसके बाद मैं ना आज रात में छोले बनाऊंगी, छोले पूरी। तो उसके लिए मुझे मटर को क्लीन करना है। तो एक ये जो छोटा सा एक पैकेट पुराना मैं रबर बैंड लगा के रखी थी, तो वही मैं इसको जा रही हूँ, ये थोड़ा सा है क्लीन कर लेती हूँ। और उसके एक और मेरे पास नया पैकेट है, उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये ना कुछ इसको हो गए कुछ मंथ, इसमें रबर बैंड लगा के मैं रख दी थी। तो इसको मैं यहाँ बैठ के टीवी भी देख रही हूँ और क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं इसको भिगो के रख दूँगी, आज अभी भिगो दूँगी सुबह, तो शाम तक ये अच्छे से फूल जाएगा। फिर इसका मैं छोले बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी। तो आज इतने अच्छे मौसम में इतना अच्छा खाना नाश्ता बनाना तो बनता है। यहाँ ये क्लीन हो गया है, चलिए और भी इसमें मैं मटर मिला के इसको भिगो देती हूँ। और मुझे छोले ना इसी मटर के अच्छे लगते हैं। और हेलो फ्रेंड, तो अभी नाइट का टाइम है और हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। और ये देखिए हाँ मसाज चल रहा है। तो एक्चुअली मानवी का क्या है ना, उसको ऑयल लगाती हूँ ना, तो वो उसको भी ऑयल लगाना ही रहता है हम लोग का। तो उसको उसके साथ मुझे गेम खेलना पड़ता है जैसे, तो कोई गेम के बहाने ही मैं उसके उसको ऑयलिंग कर पाती हूँ, नहीं तो वो ऑयलिंग नहीं करवाएगी। ऐसे मैं बोल दूँ ना कि सर मैं ऑयल लगा दूँ बालों में, नहीं आएगी। तो थोड़ा सा गेम वेम खेल के उसको फुसला के मैं उसको ऑयलिंग करती हूँ। यहाँ ना किसी की शादी होती, शायद अपार्टमेंट में कोई फंक्शन होगा, तो हमारे बिल्डिंग के बाहर ही ये लोग क्रैक फोड़ रहे हैं। तो ओके फ्रेंड, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बब्बा एंड गुड नाइट, टेक केयर।